अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग बखैर वाकिफ होंगे। हमने एचटीएमएल के अंदर एचटीएमएल का सिंटैक्स, उसमें एट्रीब्यूट्स, पैराग्राफ, हेडिंग्स वगैरह को देख लिया था। अगला हमारा टॉपिक है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 एचटीएमएल में, टॉपिक नंबर 3 लिस्ट क्रिएट करना। तो हम बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर कुछ लिस्ट वगैरह देखते हैं, तो वो लिस्ट कैसे बनती हैं तो उसके बारे में हम आज देखेंगे। लिस्ट की 4 टाइप्स होती हैं हमारे पास आपकी बुक पे जो दी गई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और लास्ट वाली है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट के बारे में हम बाद में देखेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट लगाना। उससे पहले हम देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। इन 3 लिस्ट की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आज के सेशन के अंदर। और आपको क्लास के अंदर भी मैंने इसके बारे में बता दिया था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट वगैरह क्या होती है और ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। तो आज के हम इस सेशन में कोशिश करेंगे कि हमने जो लास्ट टाइम भी सारा कुछ पढ़ा था वो भी इसके अंदर कवर कर ले। तो सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम नोट पैड ओपन करेंगे। ये हमारा नोट पैड है, तो इसके अंदर हम एचटीएमएल का पहले सिंटैक्स लिखेंगे। वो आप सबको पता है, क्या सिंटैक्स है एचटीएमएल। इसके अंदर हम हेड लिखते हैं, हेड और हमारा हेड ओपन टैग। इसके बाद हेड के अंदर हमारे पास आ जाता है टाइटल, और ये हमारे पास आ गया टाइटल। टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन अबाउट लिस्ट। तो इसके बाद मैं बॉडी के अंदर आ जाता हूँ, बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है अपनी हेडिंग के साथ, हर चीज को कवर करना है जो लास्ट तक हम कर चुके हैं। तो H1 कर लेते हैं हेडिंग, और H1 के अंदर मैं यही चीज कॉपी करके लगा देता हूँ जो हमने इन टाइटल के अंदर लिखी है। तो ये मैंने H1 के अंदर लिख ली। H1 के बाद अगली हमने जो चीज पढ़ी है वो पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग के अंदर मुख्तलिफ चीजें हमने पढ़ी, वो सारी इसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। पैराग्राफ ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और इसके बाद इसके दरमियान में हम कुछ भी पैराग्राफ लिख देते हैं। इतना ही काफी है, हम कॉपी करके 3-4 बार पेस्ट कर लेते हैं। इसे मैं अगर आपको समझाऊं तो पहले भी आपको सब बताया हुआ, ये मैंने लाइन ब्रेक करके नीचे लगा रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसे आउटपुट में चलाऊंगा तो ये मुझे एक सीक्वेंस में नजर आएगा, इकट्ठा नजर आएगा, अलहदा अलहदा ऐसे नजर नहीं आएगा। अब इसे इतना ही रहने देते हैं, बाद में एक एक चीज के आपको साथ साथ प्रैक्टिस करवा के दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ आएगी। पैराग्राफ के बाद हमने एक लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ जिसके अंदर हम बता देंगे कि हम लिस्ट किस चीज की बनाएंगे। जैसे हमने क्लास में कहा था लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, तो इसमें हमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती, तो ये हमने लिस्ट ऑफ फ्रूट्स लिख दी। अब जब हमने लिस्ट बनानी है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल का टैग होता है, ये यूएल का क्लोजिंग टैग, ये यूएल का ओपनिंग टैग। इसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे एल आई, ये एल आई का क्लोजिंग टैग और ये एल आई का ओपनिंग टैग। अब इस एल आई के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो मुझे लिस्ट के अंदर नजर आएगा, तो मैं पहले एल आई के टैग को कॉपी कर लेता हूँ, इसे 3-4 बार पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम बाद में आसानी से कोडिंग कर सके, बार बार हमें ये टैग जो है वो कॉपी वगैरह करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए, ये मैंने 5 लिस्ट के अंदर 5 आइटम को ऐड किया। लिस्ट ऑफ फ्रूट्स के अंदर मैं कर देता हूँ एप्पल्स, बनानास, मैंगोज, पीच एंड गुआवा। आप कुछ भी अपनी मर्जी से जो आपका फेवरेट हो फ्रूट वो इसके अंदर लिख सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं। तो इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के लिए आपको बताया था एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल और एस का बटन, और दूसरा तरीका होता है फाइल के अंदर जाके यहाँ पे सेव पे क्लिक करना। तो हमारे पास ये स्क्रीन सामने नजर आ जाएगी। अब इस
उसके अंदर आपने वो लोकेशन बतानी है। मेरे कंप्यूटर में लैपटॉप में सी ई और एफ ड्राइव हैं, जिसके अंदर मैं एफ के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे वो फोल्डर चूज करता हूँ जिसके अंदर मैंने इसे सेव करना था। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ चलें अनऑर्डर्ड लिस्ट प्रैक्टिस, और नाम के बाद डॉट एच टी एम एल लिखना जरूरी है। ये हिस्सा डॉट एच टी एम एल जो कि इसकी एक्सटेंशन है, ये भी आपको बताया था क्या होती है, ये लिखना जरूरी है। और अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा कोड जो है वो एच टी एम एल का कोड नहीं बल्कि एक टेक्स्ट कोड बन जाएगा। और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट जो प्रैक्टिस है इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये कोड जो है ये सेव हो चुका है। अब मैं जाता हूँ अपने फोल्डर के अंदर, और फोल्डर के अंदर मैं एफ के अंदर, एफ के अंदर मैंने सेव किया था एच टी एम एल वन के अंदर, एच टी एम एल वन के अंदर नाम रखा था अनऑर्डर्ड लिस्ट प्रैक्टिस। इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा प्रोग्राम जो है वो रन हो गया। सबसे पहले हमने हेडिंग की थी इंट्रोडक्शन अबाउट लिस्ट, तो ये हमारे पास वो हेडिंग है। इसके बाद मैंने पैराग्राफ दिया था, ये मैंने आपको बताया था कि हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक दो तीन चार पांच लाइनों में लिखा था, लेकिन आउटपुट में मुझे ये सारा एक ही लाइन पे नजर आ रहा है। तो इसे मैं अगर पांच लाइनों पर देखना चाहता हूँ तो मुझे हर लाइन के बाद डी आर का टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कैपिटल या स्मॉल लिखने से कोई इशू नहीं होता, ये केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे स्मॉल किया। चलिए ये कैपिटल भी कर देते हैं, आपको पता चल जाए कि इसका कोई इशू नहीं होता। ये डी आर, ये भी डी आर, आखिरी पे वी आर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रेक करने आपके नीचे कोई लाइन है नहीं, जो है वो हेडिंग है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाती है। कंट्रोल एस के साथ सेव करूंगा, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब ये एक दो तीन चार और पांच लाइन में आ गया। अगली चीज हमने इसके अंदर स्पेस ऐड करना देखनी थी, तो स्पेस के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो ये मैं माय नेम सेकंड लाइन पे इतनी स्पेस दे देता हूँ, और कंट्रोल एस करके जब मैं इसे दोबारा कराऊंगा तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? एस टी एम एल के अंदर इतनी स्पेस, इस तरह स्पेस नहीं दे सकती। स्पेस कैसे देनी है वो टैग हमने पढ़ा था, ये सिंबल होता है एंड एन जी एस टी और ये सेमी कोलन। फिर इसी को कॉपी कर लें, और जितनी दफा आपने स्पेस देनी है उतनी बार पेस्ट कर दें। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, और यहाँ पे आगे जब रिफ्रेश करेंगे तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा स्पेस आ गई जो हमने वहां पे ऐड की, और ये हमारे पास लिस्ट जो थी वो हमें नजर आ रही है प्रूफ की, ये है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसी के अंदर हम अपनी नई जो अगली लिस्ट होती है वो ऐड करते हैं इसके नीचे, जो हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर सीक्वेंस जो है वो मैटर करता है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिर्फ ओ एल और यू एल का फर्क है। ओ एल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट और यू एल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो अब हम ऑर्डर लिस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट में हम क्या करेंगे, अपने जहाँ पे हमने अनऑर्डर लिस्ट लगाई थी उसकी जगह पे हम नीचे ऑर्डर लिस्ट का टैग लगा देते हैं। ये हमारे पास है जी ओ एल का टैग ओ एल। इससे पहले हम एक हेडिंग दे लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ से हमारी जो है वो ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होती है। वैसे पता तो फोर से चले जाएगा, लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में हमने लिस्ट ऑफ फ्रूट्स बनाई थी, तो यहाँ पे हम जो है वो किस चीज़ की लिस्ट बनाने लगे हैं उसके मुतालिक भी हम हेडिंग दे सकते हैं। तो एच वन, एच वन के अंदर मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑर्डर लिस्ट प्रैक्टिस में, और आप इसमें लिखना चाहें तो लिस्ट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी की लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट का ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग इसे नीचे करते हैं, और इसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े से छोटी की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारे पास है एल आई, जो अनऑर्डर्ड में भी यही लिखना पड़ता है और ऑर्डर्ड में भी यही लिखना पड़ता है। इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ एज यूजुअल, और जैसे पहले किया था, और यहाँ से आगे से पेस्ट करते हैं चार से पांच बार। कंप्यूटर में जो बिगेस्ट स्टोरेज मेमोरी है वो टेराबाइट तो नहीं है, टेराबाइट से भी ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे टेराबाइट से शुरू कर लेता हूँ। टेराबाइट के बाद जो लूंगा वो इससे छोटी मेमोरीज लूंगा। टेराबाइट के बाद हमारे पास गीगाबाइट होती है,
गीगाबाइट के बाद हमारे पास होती है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद हमारे पास होती है किलोबाइट, और किलोबाइट के बाद हमारे पास होती है जी, तो किलो की स्पेलिंग गलत है, ये है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद हमारे पास आती है बाइट। तो इसे मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस के साथ, यहाँ पे आके अपनी लिस्ट को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरे पास देखें लिस्ट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी के साथ यहाँ पे हमें वो चीज भी नजर आ रही है जो हमने लिस्ट ऑर्डर लिस्ट बनाई है। ये अनऑर्डर लिस्ट के यहाँ पे 7 बुलेट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे साथ में हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं 1, 2, 3, सबसे ऊपर टेराबाइट होती है, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट, फिर बाइट। तो ये हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट, और सॉरी ये है ऑर्डर लिस्ट और ये है अनऑर्डर लिस्ट। तो इसी तरह हमने मजीद इसके अंदर जो काम किया था वो था हमारे पास एट्रीब्यूट लगाना। अगर मैं एट्रीब्यूट आपको बताया था जिस जगह पे लगाऊंगा उसके अंदर जितने टैग होंगे वो सब के अंदर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं बॉडी के अंदर एट्रीब्यूट लगाऊंगा स्टाइल लिख के इक्वल टू टैग ग्राउंड कलर, ये कॉलन का साइन ब्लू, और इससे जब मैं सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो सारे का सारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो गया, सारे बॉडी पे इफेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं यही चीज जो है वो बॉडी की बजाय किसी एक टैग के अंदर लगाऊंगा, जैसे लेट्स कॉल मैं इसे यहाँ से काट के, काटने के लिए कंट्रोल एक्स की शॉर्ट की इस्तेमाल होती है, और इसे मैं लगा देता हूँ अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ और यू एल के दरमियान पेस्ट करके इसे सेव करेंगे तो ये हमारा जो बैकग्राउंड है सिर्फ और सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट तक रह जाएगा। ये हेडिंग पे इफेक्ट भी नहीं हुआ इसका, क्योंकि हेडिंग के लिए H1 का टैग था, अगर उसके अंदर लगाते तो ये इस पे भी इफेक्ट होना था। इसी तरह हम जो फॉन्ट के कलर के हमने एट्रीब्यूट देखे और फॉन्ट का साइज देखा और फॉन्ट का फेस देखा, जिसके अंदर हमने देखा कैलिबरी, टाइम न्यू रोमन और बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो वो आप सब इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज तक अभी तक हमने देखा है सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, और कोशिश की है कि पीछे जो हमारे पास थी वो सारे के सारे सीक्वेंस को चीजों को हम रिवाइज कर सकें। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। तो ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पहले क्लास में से समझ लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसका एक प्रैक्टिस भी कर लेंगे ताकि आप लोग देख सकें कि हम ये काम कैसे करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों ने, जैसे मैंने कहा था, असाइनमेंट सबमिट भी करवानी होती है साथ, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके या मोबाइल से पिक्चर बना के तो मुझे व्हाट्सएप भी करनी है। तो आप सब लोगों ने इसे फॉलो करना है और अगर किसी को कोई इशू आए तो वो मुझसे पूछ सकता है, ग्रुप में मेरा मोबाइल नंबर है आप सबके पास। और फिर